हरे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल जी म्यूजिक सीरीज में स्वागत है। मैं विजेंद्र आज आपके लिए एक और नया भगवत गीता का वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि अर्जुन एक क्षत्रिय का क्या धर्म होना चाहिए, जिस समय अर्जुन युद्ध करने से मना कर देता है, तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि तू क्षत्रिय किस लिए बना है। और उन्हीं श्रीमद् भगवत गीता के कुछ श्लोकों का हिंदी रूपांतरण मैं आपके सामने लेके आया हूँ। तो आइए सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या कहते हैं कि एक क्षत्रिय का क्या धर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए अर्जुन, तुम्हें यह जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए दूसरा कोई कार्य नहीं है। देखो, धर्म के लिए जो सबसे बड़ा काम हो वो हमें करना चाहिए, अतः तुम्हें संकोच करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। फिर कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं, जिससे उनके लिए स्वर्ग लोक के द्वार खुल जाते हैं। लेकिन यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करोगे, पूरा नहीं करोगे, तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। फिर कहते हैं कि लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम और यश को सम्मान दिया है, वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि को छोड़ दिया है, और इस तरह से वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे, छोटा मानेंगे कि जब समय आया तो युद्ध करने से मना कर दिया। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदायी और क्या हो सकता है। हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे भी जाओगे तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे, और यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। इसलिए दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्षत्रिय धर्म के बारे में बताया है कि एक क्षत्रिय जिस चीज के लिए जन्म लेता है उसे वो कर्तव्य पूरा करना चाहिए। तो ये श्रीमद् भगवत गीता का वीडियो मैं आप तक लेके आया। आगे भी भगवत गीता की कुछ कथा, वीडियो, कहानियां, किस्से, प्रसंग आप तक लाता रहूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हैं तो आप इन्हें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहें। हरे कृष्णा।